मुलाकात की तो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती बरहेट के मरीज से मिलना नहीं भूले, उसका हालचाल जाना और जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान रिम्स के निदेशक डीके सिंह ने हेमंत सोरेन को रिम्स की व्यवस्थाओं से भी रूबरू कराया। अपनी ताजपोशी से पहले हेमंत सोरेन एक्शन में है। गुरुवार को भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पहुंचे। रिम्स पहुंचने पर निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने भावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिम्स की व्यवस्था से रूबरू कराया। नर्सों की कमी के विषय में भी जानकारी दी। कहा कि हमें जो हमारी कमियां हैं, जैसे मुख्य रूप से हमने कहा नर्सों की कमी के कारण बहुत हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको हमें करना है। और दूसरे जो कई विभाग हमारे जो खुलने हैं उसके लिए भी मैंने कहा। हेमंत सोरेन ने बारीकी से रिम्स की व्यवस्था को देखा, डॉक्टर्स और नर्स को लेकर जानकारी ली, मरीजों के इलाज से लेकर दवाइयों पर भी बात हुई। सब कुछ जानने समझने के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार गठन के बाद व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। देखिए, चूंकि राज्य में सरकार गठन का प्रक्रिया चल रहा है और हम लोग बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहते हैं, इस राज्य को दिशा देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे तो अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से इलाज करा रहे एक मरीज से भी मुलाकात की और उसका हालचाल जाना। झारखंड में नई सरकार बनने जा रही है, आने वाले दिनों में नई व्यवस्था भी देखने को मिल सकती है। सौरभ जिम